औरत की तीन चीज़ें मसलने से औरत मर्द के नफ्स के ऊपर बैठ जाती है। नंबर वन, औरत की गर्दन को मसलना। जो औरत मर्द को अपने जिस्म को हाथ ना लगाने दे रही हो और मर्द की ख्वाहिश हो कि वो औरत के कपड़े उतार कर उसके साथ जमा करे, तो उसे चाहिए कि औरत के साथ रोमांस करते वक्त उसको अपने नीचे लिटा दे। और जब मर्द औरत की गर्दन को हाथ लगाता है, हाथों से गर्दन को मसलता है, होंठों को किस करता है, तो फिर औरत की शहवत मर्द की हवस के सामने बेबस हो जाती है। औरत की शहवत इतनी बढ़ जाती है कि औरत बेताब होकर मर्द के सामने अपने कपड़े उतार देती है। नंबर टू, उंगलियों के दरमियान वाली जगह मसलना। जो औरत मर्द को अपने जिस्म को हाथ ना लगाने दे रही हो, तो मर्द को चाहिए कि औरत की उंगलियों के दरमियान वाली जगह को अपने अंगूठे की मदद से हल्का हल्का मसलता रहे। इस तरीके से औरत की शर्मगाह में गर्मी पैदा होने लगती है और औरत मर्द की बाहों में गिर जाती है, क्योंकि औरत की उंगलियों की हरारत औरत की शर्मगाह तक ज़रूर पहुंचती है और औरत गर्म होकर मर्द के सामने कपड़े उतार कर हम बिस्तरे की ख्वाहिश करने लगती है। नंबर थ्री, औरत की छाती को मसलना। जो औरत मर्द को अपने जिस्म को हाथ ना लगाने दे रही हो, तो मर्द को चाहिए कि औरत की छाती के ऊपर हाथ फेरता रहे, छाती को हाथ से मसलता रहे। छाती को मसलने से औरत जल्दी गर्म हो जाती है। अगर मर्द ज़्यादा देर तक छाती को मसलता है, तो जिस्म की गर्मी की वजह से औरत इतनी बेकाबू हो जाती है कि वो मर्द के नफ्स के ऊपर बैठ जाती है और हम बिस्तरी कर लेती है। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई YouTube चैनल। थैंक यू।